अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पनीर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमें लेंगे एक चम्मच ऑयल और दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए और 4 से 5 हरी मिर्ची, 10 से 12 काजू बादाम। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो गया, अब इसे निकाल के हम एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हमें ऐसे इसे पीस लेना है। अब एक बाउल में हम लेंगे एक चम्मच ऑयल, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर। फिर इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डालेंगे और उसमें पनीर को डाल के मिक्स करके और 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम लेंगे एक बाउल में 1 कप दही, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मसाले हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसे हम साइड रख देंगे। फिर पैन में जो मैरिनेट किया था हमने पनीर, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। फिर ये हमारे ब्राउन हो गए थोड़े, फिर इसे हम निकाल लेंगे और फिर डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। अब इसमें डालेंगे हम कुछ अच्छे मसाले, ये थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, 2-3 इलायची और ये प्याज का बैटर हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले जो हमने मिक्स किए थे और इससे जब तक इसका तेल ना छोड़ते इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ये तेल इसमें से छोड़ने लगा है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखें ये रेडी हो गया है हमारा अफ़गानी पनीर। और इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर कट करके डालेंगे और इसे चपाती या फिर पराठे से सर्व करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।